डीआरएस ऐसे लोग कि चार लोग भी बोले भैया आप ही हो डीआरएस के बाप। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंपायर के फूस की फैसले की धज्जी उड़ाने वाले धोनी रिव्यू सिस्टम की। इनके फैसले के आगे अंपायर भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम। धोनी रिव्यू सिस्टम नंबर वन, ये वाला डिसीजन ना धोनी के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनके पक्ष में ना तो अंपायर था और न ही बॉलर का कुछ रिस्पांस। बात है भारत वर्सेस आयरलैंड के बीच एक वर्ल्ड कप मैच का, जब युवराज सिंह के एक बॉल को एलेक्स कुशेक सूंघ भी नहीं पाते और बॉल पैड पर लग जाता है। धोनी इस पर तुरंत अपील करते हैं जबकि युवराज सिंह डाउट में थे और अंपायर भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, लेकिन इन सब के बाद भी धोनी ने अंपायर के फैसले पर लात मारा और डीआरएस ले लिया। फिर जब थर्ड अंपायर चेक करते हैं तो पता चलता है बैट्समैन शुद्ध LBW है यार, और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता है, या फिर ये बोलो लाइन पे। धोनी रिव्यू सिस्टम टू, यहाँ तो धोनी एक हल्की सी महीन आवाज को भी कैप्चर कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, मिचेल सेंटनर के बॉल को सूर्या भैया स्वीप शॉट घुमाते हैं, पीछे महेंद्र सिंह धोनी जोरदार अपील करते हैं लेकिन अंपायर इसे वाइड दे देते हैं। फिर धोनी तुरंत रिव्यू उठाते हैं, फिर रिव्यू से पता चलता है सूर्या भैया के ग्लव से हल्का सा एज लगा होता है। सूर्या भैया सोचे थे इतनी शोर में कहां किसी को पता चलेगा, लेकिन भाई महेंद्र सिंह धोनी औसम। धोनी रिव्यू सिस्टम थ्री, MS धोनी क्रिकेट के मैदान में ना इतने चौकन्ने रहते हैं बल्कि किसी प्लेयर को खुद पता नहीं रहेगा कि एज लगा है या नहीं, लेकिन धोनी को पता चल जाता है। भारत वर्सेस श्रीलंका के एक वनडे मैच में शार्दुल ठाकुर के एक बॉल को डिकवेला जोर से भवाते हैं, इस बॉल को अंपायर वाइड करार देते हैं, बाकी प्लेयर को भी यही लगता है, लेकिन धोनी को कुछ आवाज सुनाई दिया होता है। विराट भाई को बॉल की आवाज का पता न चला हो लेकिन उन्हें धोनी रिव्यू सिस्टम बहुत अच्छे से पता है। फिर धोनी के एक इशारे पर विराट भाई रिव्यू ले लेते हैं। फिर थर्ड अंपायर जब इसे देखते हैं तो पता चलता है क्लियरली एज लगा है, बस फिर वही लाइन पे। धोनी रिव्यू सिस्टम फोर, IPL में MS धोनी इमरान ताहिर के दर्द को जो सुकून दिलाते हैं ना भाई, मजा ही आ जाता है। यहाँ इमरान ताहिर के बॉल को केरन पोलार्ड पढ़ नहीं पाते, फिर राइजिंग पुणे सुपर जायंट के सभी प्लेयर जोरदार अपील मारते हैं लेकिन अंपायर को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और बेचारा ताहिर तो कूद कूद के अपील मारा रहता है। फिर एक्टिव होता है धोनी रिव्यू सिस्टम। थर्ड अंपायर जब इसे देखता है तो साफ पता चलता है भैया ये तो आउट है। धोनी रिव्यू सिस्टम 5, ये भी IPL का ही है। यहाँ तुषार देशपांडे के स्लोअर बॉल से विजा बीट हो जाते हैं, तुषार देशपांडे और MS धोनी इस पर अपील मारते हैं लेकिन अंपायर को लगता है एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है यार, कहाँ LBW होगा, नहीं 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 आउट नहीं है। ऐसे में धोनी उठाते हैं अपना DRS। फिर थर्ड अंपायर जब चेक करते हैं तो फैसला धोनी रिव्यू सिस्टम के तरफ जाता है। ऑन फील्ड अंपायर को फिर अपना फैसला बदलना पड़ता है और विजा को भी पवेलियन का वीजा पकड़ना पड़ता है। धोनी रिव्यू सिस्टम 6, MS धोनी अपने अपील पर इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, पहले तो अपील मारते हैं, उनके अपील पर अंपायर मान गए तो ठीक, वरना धोनी अंपायर को अपने अपील के खिलाफ जाते हल्का सा भी देख ले तो भैया उधर अंपायर का उंगली ऊपर होने से पहले ही धोनी अपना DRS ऑन कर लेते हैं। ऐसा ही सीन यहां भी होता है जब सचिन पथिराना के बॉल को जसप्रीत बुमराह मिस कर देते हैं और अंपायर इसे आउट दे देता है, उधर अंपायर का हाथ उठने से पहले ही धोनी रिव्यू सिस्टम एक्टिव हो जाता है। थर्ड अंपायर से पता चलता है यहाँ तो इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप के तरफ हुआ है। फिर आखिर अंपायर को धोनी के फैसले की तरफ ही जाना पड़ता है। धोनी रिव्यू सिस्टम 7, अगर कुछ करीबी मामला होता है ना तब धोनी एकदम अंपायर को देखते रहते हैं, एक बार मेरी अपील के खिलाफ जाए तो जरा फिर देखना। यहाँ एक और ऐसा ही सीन होता है जब क्रिस वोक्स के वाइड यॉर्कर बॉल को युवराज सिंह चौके के लिए धकेलने की कोशिश करते हैं पर बटलर कैच कैरी करके अपील मारते हैं और अंपायर का हाथ भी ऊपर होने लगता है लेकिन उससे पहले धोनी रिव्यू सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर चेक करने पर पता चलता है बॉल बैट से लगने के बाद वन बाउंस हुआ रहता है, फिर अंपायर को वही बताया था ना। आप जरा इसे एक्सपर्ट से सुनिए, आपका सीना चौड़ा ना हो जाए ना तो बोलना। अगर धोनी ने आउट दिया बतौर अंपायर तो मैं क्या करूँगा। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदा जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है, सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हार जाए, इंडिया हारती हार जाए, चीटिंग नहीं करे, बेईमानी नहीं करे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अंपायर भी जो है ना वो भी दिखते रहते हैं कि क्या धोनी ने अपील किया है, अगर धोनी ने अपील किया है तो इसका मतलब ये आउट ही होगा।